Bismillahirrahmanirrahim. We are at chapter 4 of performance management. Already we had covered one lecture of chapter 4 back in university. Chapter 4 named defining performance and choosing a measurement approach. इसमें सबसे पहले हमने कवर किया था कि परफॉर्मेंस होती क्या है. परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट बिहेवियर्स एंड व्हाट इम्प्लाइज टू. बेसिकली परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं कि एम्प्लॉय का बिहेवियर और एम्प्लॉय क्या करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं है कि उसके रिजल्ट्स क्या है, आउटकम्स क्या है या व्हाट एम्प्लॉय प्रोड्यूस. बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस किस पे इनिसार करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एम्प्लॉय के बिहेवियर्स क्या हैं या एम्प्लॉय क्या करता है उस सर्टन एनवायरनमेंट में, उस सर्टन एक्टिविटी में, या जो उसको जॉब डिस्क्रिप्शंस असाइन की गई हैं उसका सर्टन बिहेवियर क्या होता है. उसके रिजल्ट्स या आउटकम बेस्ड जो है हम उसकी परफॉर्मेंसेस को मेजर नहीं कर रहे होते और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम मेजर नहीं करते. ठीक है, तो बेसिकली मेन जो उसके इवेल्यूएटिव्स जो डिटर्मिनेंट्स हैं परफॉर्मेंसेस के, वो हमने डिस्कस किए थे कि परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डिक्लेरेटिव नॉलेज मल्टीप्लाइड बाय प्रोसीजरल नॉलेज मल्टीप्लाइड बाय मोटिवेशन. बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई इन फैक्टर्स को क्यों कर रहे हैं. लेट सपोज कि आपके पास डिक्लेरेटिव नॉलेज है और प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है, इवन दो आपके पास मोटिवेशन है. इट मीन्स कि अगर आपके पास प्रोसीजरल नॉलेज ज़ीरो है तो आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन विल लीड टू ज़ीरो. ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एंड मोटिवेशन टू परफॉर्म. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है. डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स लेबल्स प्रिंसिपल्स गोल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क रिक्वायरमेंट्स. बेसिकली जो आपकी पर्टिकुलर टास्क है, पर्टिकुलर रोल है, उसके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज. मींस आपका जो भी आप, लेट सपोज आप ड्राइविंग की बात करते हैं, तो ड्राइविंग से पहले आप अगर ड्राइविंग का बुकलेट पढ़ते हैं, ड्राइविंग डायरेक्शंस पढ़ते हैं, उसके वेरियस मेजर्स पढ़ते हैं, तो बेसिकली पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज है. या लेट सपोज हम बात करते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो जाते हैं, तो उसके बाद जब हम वेरियस फैक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग करवा रही होती है, दीज ट्रेनिंग्स आर बेसिकली डिक्लेरेटिव नॉलेज टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब फॉर विच यू आर हायर्ड. ठीक है, तो बेसिकली डिक्लेरेटिव नॉलेज आपको एक इंफॉर्मेशन देती है, एक फैक्ट्स फिगर्स देती है, प्रिंसिपल्स गोल्स बताती है कि आपने करना क्या है, आपकी टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जो है आपने परफॉर्म किस तरह करना है, ये पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज है. उसके बाद आते हैं प्रोसीजरल नॉलेज. बेसिकली क्या है, प्रोसीजर्स, आप किस तरह स्टेप्स को फॉलो करेंगे, प्रोसेसेस क्या होंगे, आपको करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है, हाउ टू डू इट, कैसे आप उसको परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली आपकी कॉन्जिनेटिव मीन्स आपकी जो है मोटर या माइंडसेट की जो आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, फिजिकल आपके जो फोर्सेस या एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है, इंटरपर्सनल मींस आपके जो है बेसिकली टीम परफॉर्मेंसेस, या आप अपने आपके साथ जो कलीग्स हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं या रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, परसेप्चुअल और मोटर ये आपकी रिलेट करती हैं माइंडसेट के साथ. तो इस नॉलेज को बेसिकली हम किस में करते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज. प्रोसीजरल नॉलेज बेसिकली क्या है कि आप ऑन द जॉब, ऑन सर्टन असाइनमेंट या जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो पर्टिकुलरली उस वक्त परफॉर्म करें, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसीजरल नॉलेज. उससे पहले डिक्लेरेटिव नॉलेज आपको एक आइडेंटिफिकेशन दी गई, इंफॉर्मेशन दी गई, नॉलेज दी गई कि आपने ये सर्टन जॉब करनी है, किस तरह करनी है आपने, उसके लिए ट्रेनिंग्स असाइन की गई आपको. वो ट्रेनिंग्स ऑन द जॉब भी हो सकती हैं, ऑफ द जॉब भी हो सकती हैं. प्रोसीजरल नॉलेज जब आप आके पर्टिकुलर सीट पे, पर्टिकुलर जो है उस पर्टिकुलर स्केल पे या पर्टिकुलर जॉब पे आके आप काम करते हैं, तब आपकी प्रोसीजरल नॉलेज आती है.
लास्ट में आता है आपके पास मोटिवेशन, वेदर यू आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म एक्शंस या डिज़ायर्स या नीड्स, या जो आप काम एक्टिविटी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते. बेसिकली लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि आपके पास डिक्लेरेटिव नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपके पास प्रोसीजरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, पर मोटिवेशन टू परफॉर्म नहीं है. आप मतलब जॉब करना ही नहीं चाहते, या आप परफॉर्म करना ही नहीं चाहते, ठीक है, तो बेसिकली उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस जब भी ट्रेनिंग्स करवा रही होती हैं तो सबसे पहले उनका मोटिव यही होता है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज को आइडेंटिफाई करवाने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए आपके पास जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके थ्रू डिक्लेरेटिव नॉलेज आपके न्यू या जो है रिफ्रेशर्स या फिर आपके जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको भी ज़रूरत है तो उनको डिक्लेरेटिव नॉलेज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. दूसरी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं मोटिवेशनल बेस्ड. मोटिवेशनल बेस्ड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंसेज इम्प्रूव हो, आप विलिंग टू वर्क हो, ठीक है. तो व्हाट कॉजेज अ पर्सन टू वांट टू रिपीट अ बिहेवियर एंड वाइस वर्सा, बेसिकली आपकी मोटिवेशन, आपको कौन सी ऐसी वजह है जो आपको सर्टन टास्क करने पे मजबूर करती है, उसके लिए मोटिवेट करना भी जो है एक एम्प्लॉय लेवल पे भी है, पर ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म करती है, सर्टन ट्रेनिंग्स दिलवाती है ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें ताकि वो सर्टन जॉब्स को परफॉर्म कर सकें, ठीक है. तो बेसिकली तीन स्टेप्स आपके आते हैं परफॉर्मेंस में. आपकी परफॉर्मेंस मेजर किन फैक्टर्स पे होती है, डिक्लेरेटिव नॉलेज, आपकी प्रोसीजरल नॉलेज मल्टीप्लाइड बाय मोटिवेशन टू परफॉर्म सर्टन टास्क. ये हम पहले भी देख चुके हैं. आगे हम आते हैं ठीक है. तो बेसिकली आपके जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं परफॉर्मेंसेस को, उनमें सबसे पहले आपकी प्रोसीजरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, मोटिवेशन, एचआर प्रैक्टिसेस के, ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, वो भी आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट अफेक्ट करते हैं. वो या तो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट भी कर सकते हैं या डिक्लाइन भी कर सकते हैं. वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट भी आपकी परफॉर्मेंसेस को हिंडर या इंक्रीज कर सकता है, आपकी परफॉर्मेंसेस को डिक्रीज या इम्प्रूव कर सकता है. तो ये बेसिकली चार प्रैक्टिसेस, वर्क एनवायरनमेंट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ये फैक्टर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स को अप्लाई करे जो यूज़र या एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, कन्वीनियंट हो एम्प्लॉयज़ के लिए इफेक्टिवली काम कर सकें, ठीक है. और बाकी आपकी जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो अभी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि आपको नॉलेज दे कि आपने जो है सर्टन एक्टिविटीज़ को किस तरह परफॉर्म करना है. मोटिवेशन टू वर्क बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉयज़ आर वेदर दे आर मोटिवेटेड और नॉट, और सम मोस्ट अफेक्टिवली इट्स अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टू बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटी. पर ऑर्गेनाइजेशन भी समटाइम्स ट्रेनिंग्स करवाती है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें टू परफॉर्म सर्टन टास्क, ठीक है. उसके बाद हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था परफॉर्मेंस डायमेंशंस, टास्क परफॉर्मेंसेज और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंसेज. टास्क परफॉर्मेंसेज को मैं यहाँ पर बताता चलूँ ब्रीफली कि टास्क परफॉर्मेंसेज क्या है. ऐसी जो एक्टिविटीज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो है या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से जो है रिलेट करती हूँ, जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र कर सके, या आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो बेसिकली आप उन सर्विसेज की जो भी एक्टिविटीज़ टास्क होंगे वो बेसिकली पार्ट ऑफ टास्क परफॉर्मेंसेज है. कॉन्टेक्स्चुअल बेसिकली क्या है, आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं, आपका जो लेट सपोज आपका टीम परफॉर्मेंसेज में आप काम करते हैं, आप टीम्स के साथ इफेक्टिवली काम करते हैं, तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंसेज है. टास्क परफॉर्मेंसेज आपकी डिफ़र करेंगी. लेट सपोज आप सेल्स ऑफिसर हैं, आपकी टास्क परफॉर्मेंसेज डिफरेंट होंगी, आपकी हर जॉब नेचर के लिए डिफरेंट होंगी, पर आपकी जो कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंसेज हैं वो सेल्स ऑफिसर के टाइम भी सेम रहेंगी, सेल्स मैनेजर के भी टाइम सेम रहेंगी, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स जो है ईजीली चेंज नहीं होते. तो बेसिकली इसको हम आगे भी देखते हैं. एक और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस विच इज़ डिफाइंड एज एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू द सोशल एंड साइकोलॉजिकल कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर.
और एडिशनल सिटीजनशिप बिहेवियर क्या है कि आप यूज़र फ्रेंडली हैं, आप ऑनेस्टी से काम करते हैं, आप इंटीग्रिटी से काम करते हैं, आप जो है अपने कलीग्स के साथ जो है आपका जो है फ्रेंडली जो है आपके रिलेशंस हैं बेसिकली। यहाँ पे देखते हैं कि इंडिविजुअल टास्क परफॉर्मेंसेस क्या हैं, मीटिंग सेल्स टारगेट्स एंड केपीआईज, जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं, जो आपको जॉब असाइन की गई है उसको जो है आप रिलेट अपनी जो है एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंसेज क्या है, नॉट हेल्पिंग एनीवन एल्स इन द टीम, बेसिकली कॉन्टेक्चुअल आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो किसी के साथ जो है किसी पर सर्टेन एक्टिविटी के लिए नहीं होंगे या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल आपके ट्रेट्स हैं जो आपको ही आगे जाके फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो किसी और के लिए किसी और के फ़ायदे के लिए नहीं होंगे, आपके अपने फ़ायदे के लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंसेस भी इनके डिस्कस में कर चुका हूँ पहले, फिर भी देख लेते हैं कि टास्क परफॉर्मेंसेस क्या है। वेरीज अक्रॉस जॉब्स लाइकली टू बी रोल प्रिस्क्राइब्ड, आपका जो रोल है या आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है उसके बेसिस पे है। आपके कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंसेस क्या है, फेयरली सिमिलर अक्रॉस जॉब्स, नॉट लाइकली टू बी रोल प्रिस्क्राइब्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं उसके बेसिस पे आपकी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंसेस डिफाइन होती हैं, पर आपकी जो टास्क परफॉर्मेंसेस हैं वो आपकी स्किल्स या आपके पास जो एबिलिटीज़ हैं उनके बेसिस पे आप उनको मेजर करते हैं। ये तो प्रीवियस लेक्चर था, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम आते हैं, जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था वो है अप्रोचेस टू मेजरिंग परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंसेस को किस तरह मेजर कर सकते हैं, कौन सी अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडिविजुअल। बेसिकली परफॉर्मेंसेस मेजर करना एक एम्प्लॉय की या एक इंडिविजुअल की एक आसान काम नहीं है, उसके लिए वेरियस अप्रोचेस यूज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, आपकी जॉब नेचर क्या है उसके बेसिस पे आप अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पहले अप्रोचेस देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये अप्रोचेस कौन कौन सी जॉब नेचर पे जो है हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आती है बिहेवियर अप्रोच, जैसे नाम से है कि बिहेवियर अप्रोच बेसिकली क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच दैट एम्फसाइज दैट हाउ एन एम्प्लॉय डज द जॉब, बेसिकली एक एम्प्लॉय सर्टन जॉब को किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस तरह उसकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली किस तरह परफॉर्म कर रहा है। दिस अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन आउटकम अकर्स इन डिस्टेंट फ्यूचर, बेसिकली होता क्या है कि आप एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपकी जो है रिजल्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन मेजर नहीं कर सकती कि क्या आपका आउटकम क्या था, तो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बिहेवियर अप्रोच यूज़ करते हैं। पुअर रिजल्ट्स आर ड्यू टू कॉजेज बियॉन्ड द एम्प्लॉयज कंट्रोल, एक दूसरी कंडीशन क्या है कि सर्टन ऐसी इकोनॉमिक रिसेशन आ गई या आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस जो है रिड्यूस हो गई, वो आपके कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में आपकी जो परफॉर्मेंसेस इंडर हो रही हैं या क्लासेस नहीं हो रही, उसकी वजह से अगर आपके रिजल्ट्स सही नहीं आ रहे तो हम उस टाइम शायद जो है बिहेवियर अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं कि आप की क्लास परफॉर्मेंसेस क्या थी, उसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई करूं कि आपको रिजल्ट्स या ग्रेड्स क्या देने, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बिहेवियर अप्रोच क्या है कि आप एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह परफॉर्म करता है, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, और आपकी आपको पता नहीं है कि इन नियर फ्यूचर नियरली मतलब एक साल में या छः महीने में या तीन महीने में हम उसके रिजल्ट्स को मेजर कर सकें, तब हम क्या करते हैं बिहेवियर अप्रोच को यूज़ करते हैं। जब आपकी जॉब नेचर या ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की जॉब नेचर ऐसी होगी जिनके रिजल्ट्स हम इन नियर फ्यूचर नहीं मेजर कर सकते, तो हम उनकी परफॉर्मेंसेस बिहेवियर अप्रोच के बेस पे यूज़ करेंगे, या ऐसे क्राइसिस आ गए जैसे अभी करंटली क्राइसिस हैं, तब हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंसेस को मेजर करने के लिए बिहेवियर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपकी आती है रिजल्ट अप्रोच, रिजल्ट आउटकम बेसिकली क्या है, एम्फसाइज ऑन आउटकम्स एंड रिजल्ट्स, ये अप्रोच बेसिकली कब यूज़ होती है, जब हम
आउटकम्स या रिजल्ट्स को मेजर करें, सेल्स ऑफिसर या मार्केटिंग जॉब्स या जहाँ पे जो है टारगेट बेस्ड जॉब्स हैं, तब हम रिजल्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ बॉटम लाइन अप्रोच दैट इज़ नॉट कंसर्न दैट हाउ एम्प्लॉय इज डूइंग द जॉब, देयर ट्रेड्स, देयर बिहेवियर। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स लाने हैं, वेदर आपने वो सेल्स अचीव की, टारगेट्स अचीव किए, KPIs अचीव किए, नहीं किए, ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं। इट ओनली फोकसेस ऑन व्हाट एम्प्लॉय प्रोड्यूस्ड। अगर आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपने कितनी प्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर जो है ऑपरेटिंग साइकिल में, या आपने कितनी सेल्स की, उसके बेसिस पे हम आपकी परफॉर्मेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आपने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं किए, उसके बेसिस पे मैं मेजर करूँगा कि इसकी परफॉर्मेंसेस कितनी थी। समटाइम्स ये परसेंटेज की फॉर्म में होती है कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 80% रही, 75% रही या कितनी रही, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रेड अप्रोच। ट्रेड अप्रोच बेसिकली क्या है, एम्फसाइज इंडिविजुअल ट्रेड्स दैट रिमेन फेयरली स्टेबल थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ स्पेन। कॉन्जिनेटिव एबिलिटीज़ या पर्सनैलिटी, बेसिकली आपके पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स या पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं, कॉन्जिनेटिव आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसके बेसिस पे मैं मेजर करूँ कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या रही। बेसिकली क्या है कि आप आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आपके पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, आप टीम वर्क में किस तरह परफॉर्म करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तब हम ट्रेड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिकली अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई स्ट्रक्चरल हायरार्किकल जो है स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रही है, तो तब जो है ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड अप्रोच को यूज़ कर सकती है, ठीक है। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं बेसिकली इस अप्रोच के। होता क्या है कि इम्प्रूवमेंट नॉट अंडर इंडिविजुअल कंट्रोल। बेसिकली अगर मेरे पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स या पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मेजर करते हुए मेरी परफॉर्मेंस को अडॉप्ट किया जाता है, तो मेरे जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स या पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स या कॉन्जिनेटिव जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, वो डिफर, वो इजीली चेंज नहीं होती, मेरे इंटरनल मेरे अंडर कंट्रोल नहीं होती। बेसिकली जो मैं, मुझे पर्सनैलिटी ट्रेड्स जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुए, या मैं बचपन से जिस तरह की पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स से आ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से होंगी। तो ये जो है समाव एम्प्लॉयज को मुश्किलात होती हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को मेजर करने के लिए। डिज़ायर्ड ट्रेड में नॉट लीड टू डिज़ायर्ड बिहेवियर्स और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय करता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइम भी इसका इशू होगा, या रिजल्ट्स जो हम देखना चाहते हैं तब भी इशू होगा। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एक एम्प्लॉय टाइमली आता है, ठीक है, या रेगुलर एम्प्लॉई है, पंक्चुअल है, तो बेसिकली उसके बेसिस पे तो मैं मेजर करूँगा उसको, पर ऑर्गेनाइजेशन में उसका बिहेवियर या जो है अपनी टीम के साथ उसकी जो है रिलेशंस ख़राब हैं, या जो रिजल्ट्स आने थे वो सही नहीं है, तो बेसिकली तब इसका इशू होगा। पर ऑर्गेनाइजेशन किस पे ज़्यादातर फोकस करती है, रिजल्ट्स पे या बिहेवियर्स पे, कि वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ऑनेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, या जो ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट्स देने थे वो ला रहा है कि नहीं ला रहा। तो बेसिकली इस टाइम जो है इस ट्रेड अप्रोच को यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। बेसिकली ट्रेड अप्रोच क्या है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके जो है तीन अप्रोचेस थी जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं मेजरिंग परफॉर्मेंसेस में, बिहेवियर अप्रोच, ट्रेड अप्रोच, रिजल्ट अप्रोच। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है बिहेवियर और ट्रेड अप्रोच, बिहेवियर और रिजल्ट्स अप्रोच को इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि जो है बिहेवियर अप्रोच कब यूज़ होती रही है, अप्रोप्रिएट कब होती है, रिजल्ट्स अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन कब यूज़ करती हैं। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर 5 और 6 में इंशाल्लाह कवर होगा, और करंटली आपका चैप्टर 4 यही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप उसको YouTube चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे जो है पर्सनल मैसेजेस में, या आप जो WhatsApp के ग्रुप पे है उस पे आप जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, या आपको वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप उसका डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर राइट नाउ।